दोस्तों, क्या आप लोग भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूं। दोस्तों, 2023-22 में जो मेथड था वो अलग था, अब जो 2024 में नया मेथड आया है वो किसी को नहीं पता है, तो वही हम नया मेथड आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप लोग 2024 में इंस्टाग्राम अकाउंट परमानेंट डिलीट कैसे करेंगे। दोस्तों, वीडियो को बिना किसी देरी के हम चलते हैं स्टार्ट और इस वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डर पर चले जाते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब। तो दोस्तों, इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे नीचे एक प्रोफाइल का बटन दिखता है, सिंपल से आपको प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों, आपको ऊपर यहाँ पे थ्री लाइंस दिखेंगी, आपको सिंपल से थ्री लाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे अब दोस्तों, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब सबसे पहले नंबर पर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपल सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद सिंपल से आपको क्या करना है, अकाउंट सेंटर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स आपको दिखा हुआ दिख जाएगा, आपको इसी ऑप्शन में जाना है। तो सबसे पहले हम इस पर आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, अब यहाँ पर आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे आना होगा और यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स का एक बटन दिखेगा, सिंपल से आपको पर्सनल डिटेल्स में आ जाना है। अब यहाँ पर आने के बाद दोस्तों, एक ऑप्शन आपको और दिखेगा, अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल का, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, एक मेमोरलाइजेशन, एक आएगा नीचे डीएक्टिवेशन और डिलीशन, ठीक है, आपको सिंपल से इसी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपके सामने सारे इंस्टाग्राम अकाउंट आ जाएंगे जो भी आपके इंस्टाग्राम चल रहे हैं आपके इस आईडी से। तो हमें दोस्तों उसी को सेलेक्ट करना है जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं। तो हम दोस्तों इसको डिलीट करने वाले हैं, मासूम73753 को। सिंपल से आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे अब दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, ठीक है। अब दोस्तों, पहला आ रहा है टेम्प्ररी डिलीट, ठीक, और ये आ रहा है परमानेंट डिलीट। तो अगर आपको टेम्प्ररी डिलीट मतलब ये होता है दोस्तों, आप लोग अगर कुछ दिन के लिए डिलीट करना चाहते हैं, लाइक आपके एग्ज़ाम वगैरह आ गए और आप उसको कुछ दिन के लिए डिलीट करना चाहते हैं, अब बाद में जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट वैसे का वैसे ही वापस आ जाएगा, लेकिन लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये इंस्टाग्राम अकाउंट चल रहा था पहले या नहीं चल रहा है। एंड अगर आप लोग परमानेंट डिलीट करेंगे तो ये आईडी कभी वापस नहीं आएगी। और बस समझ जाओ भैया, तो हम क्या करेंगे, परमानेंट डिलीट पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल से कंटिन्यू का एक ऑप्शन दिख रहा है बड़ा सा, आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे रीज़न पूछा जा रहा है कि आप लोग क्यों डिलीट करना चाहते हैं, तो हम कुछ भी रीज़न दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे किसी पे भी क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है और लिख के आ रहा है एडवर्टाइजिंग ऑन इंस्टाग्राम। तो यहाँ पर दोस्तों, आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालने के लिए बोला जाएगा, जो भी आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट का पासवर्ड है वो आप लोग पासवर्ड यहाँ पे डाल देंगे। तो मैं अपना इंस्टाग्राम पासवर्ड यहाँ पे डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मतलब ये कंटिन्यू डिलीट किया, अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख के आ गया कन्फर्म परमानेंट डिलीट अकाउंटेशन। दोस्तों, ये मैं थंबनेल ले लेता हूँ, थंबनेल के स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है, ये थंबनेल पे लगा देंगे। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, अगर डिलीट करना है तो डिलीट करो यहाँ पे डिलीट अकाउंट पे क्लिक करके। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, आप दोस्तों देख सकते हैं थोड़ा टाइम लगेगा और लेकिन हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो परमानेंटली डिलीट हो चुका है और ये हमारी दूसरी आईडी ओपन हो चुकी है ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये मेरी पर्सनल अकाउंट है भाई, फॉलो कर लो। अब यहाँ पर हमारी आईडी सर्च में भी नहीं आएगी, अगर हम सर्च करके देखते हैं अभी शायद आ जाए, लेकिन एक दो दिन के अंदर नहीं आएगी, अभी नहीं आ रही। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग अपनी इंस्टाग्राम आईडी परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो भाई, 1451 फॉलोअर है। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।